हेलो दोस्तों, मैं हूँ निधि और मैं गोरखपुर में रहती हूँ और गोरखपुर से यानी कि अपने घर से गोरखपुरी रसोई चैनल को मैं चलाती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए आई हूँ कि आपके सपोर्ट से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, और जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आप जो है मेरा जो चैनल अगर आपको पसंद आता है, कुकिंग की स्टाइल अच्छी लगती हो, मेरे बताने के बाद अगर आप अपने घर में उसे आसानी से बना लेते हैं तो प्लीज़ आप लाइक भी उसको करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर करें शेयर, क्योंकि व्यूवर्स और यूट्यूबर्स के बीच में एक यही जरिया रहता है जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ आप ये करते रहें। और आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बालूशाही की रेसिपी, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है और रक्षाबंधन भी आ रहा है। आप अपने भाई के घर में जाएंगे, मम्मी पापा के घर में जाएंगे, तो आप अपने घर में ये पहले से ही प्रिपेयर करके लेके जाएं, बाहर से ना ख़रीदें, और ये ज़रूर उनको पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने किचन में बालूशाही को बना। तो दोस्तों, मैं अपने रसोई घर में आ चुकी हूं, और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया है कि मैं आज आपके साथ बालूशाही की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि ये वीडियो मेरी पूरी देखनी है और बहुत ध्यान से देखनी है, ताकि आपका जो बालूशाही है वो बिल्कुल परफेक्ट बन सके। इसके लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, 100 ग्राम देसी घी, और साथ में लिया है बेकिंग पाउडर और पानी। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बड़ा पॉट लिया है। फिर इसमें हम लोग ये मैदा डाल देंगे, और ये मैदा मैंने पहले से ही छान के रखा है। आप भी छना हुआ मैदा इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद मैं डालूंगी इसमें देसी घी, जो 100 ग्राम था, 500 ग्राम मैदा और 100 ग्राम देसी घी। फिर इसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है आपको, और एक चुटकी नमक। नमक सिर्फ मैंने इसलिए डाला है कि वो बेकिंग पाउडर के टेस्ट को बैलेंस कर सके, और एक चुटकी से ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना है दोस्तों। फिर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि घी और मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर सब आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो इसे अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। फिर दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे मैं डो किस तरह से बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो मैदा है उसको सिर्फ उंगलियों की मदद से इकट्ठा कर रही हूँ, जोड़ रही हूँ, और यहाँ पे मसल मसल के हमें रोटी के तरह डो नहीं बनाना है, सिर्फ उंगलियों की मदद से जोड़ना है। तो ये आपको इकट्ठा करना है मैदा इस तरह से। अगर आप मसल मसल के हथेलियों की सहायता से अगर आप आटा जैसा गूंथ लेंगे तो फिर वो उसमें लेयर्स नहीं आएंगे बालूशाही में, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ इस तरह से आपको इकट्ठा करना है मैदे को। सिर्फ ये बाइंड करना है हम लोगों को। तो देखिए, बहुत अच्छे से ये हो गया है, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, फटाफट ये तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये अब ये बाइंड हो गया है, बस इससे ज़्यादा इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, इसमें जो लेयर्स दिख रही हैं इसी तरह से आना चाहिए आपके भी डो का। तो इसको हम लोग रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए, और किसी कपड़े से ढक देंगे इसे। तो तब तक हम लोग यहाँ पे चाशनी अपनी रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया है, और इस पानी में हम लोग डालेंगे 500 ग्राम चीनी। एक गिलास पानी में 500 ग्राम चीनी लेना है।
फिर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची जो मैंने हल्का सा कूट लिया है, और फूड कलर मैंने डाला है ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल है कलर। फिर मैंने केसर के धागे डाले हैं कुछ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए अभी ये थोड़ी पतली है चाशनी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, यानी कि एक तार की चाशनी ये बन जाएगी। तो देखिए दोस्तों लास्ट ड्रॉप जो है वो बहुत ही धीरे धीरे गिर रही है, तो इसका मतलब अब चाशनी लगभग रेडी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होगी। तो ये चाशनी हम लोगों की लगभग रेडी हो गई है, और बहुत पतला चाशनी आपको नहीं लेना है, नहीं तो वो बालूशाही को सॉफ्ट करके एकदम उसका टेस्ट ख़राब कर देगी। तो हम लोगों का डो भी रेडी हो गया है तब तक, तो अब हम लोग देखते हैं कि बालूशाही को कैसे बनाएंगे। इस तरह से छोटा सा हम लोगों को लोई लेना है, जिस तरह से रोटी के लिए हम लोग लेते हैं, और इस तरह से बीच में एक होल करते हुए हम लोगों को बालूशाही का शेप देना है इस तरह से। तो देखिए ये एक बालूशाही हमने बना ली है। इसी तरह से दूसरा भी हम लोग बना लेंगे, और इसमें भी बहुत प्रेशर से हम लोगों को नहीं बनाना है, ताकि उसकी लेयर्स जो हैं वो एकदम ठीक रहें। इसमें भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। साइज़ वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं बालूशाही का, लेकिन बहुत बड़ा बालूशाही बनाने पर वो अंदर से बहुत अच्छे से नहीं पक पाता है, तो आपको बहुत बड़ा साइज़ भी नहीं बनाना, क्योंकि ये ऑयल में जब जाएगा तो और भी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से बालूशाही बनाएंगे। इसी तरह से पूरे डो का हम लोग बालूशाही बना लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है और इसमें मैंने डाल दिया है ऑयल, आपका जो मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इसकी ऊपर की लेयर जो है पक जाएगी और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो धीरे धीरे इसका साइड चेंज करना है हम लोगों को। तो देखिए इसका साइज़ भी थोड़ा बढ़ गया है पहले से ऑयल में जाने के बाद, और ये देखिए इसका लेयर कितना अच्छा आया है, एक एक परत इसकी अलग से दिख रही है, जिससे चाशनी आराम से इसके अंदर जा सकती है। तो ये सभी हम लोग ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, और इसे बहुत ही आराम से बनाना है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों। बाकी बचे जो बालूशाही है वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा है, इसका एक एक परत जो है वो अलग दिख रही है, आपको भी इसी तरह से बनाना है, और हलवाई भी इसी ट्रिक से बनाते हैं, जिससे उनका एकदम बालूशाही परफेक्ट बनता है। देखिए ये बाकी भी बालूशाही हम लोगों का रेडी हो गया है। अब इस कढ़ाई को हटा के मैं चाशनी फिर से थोड़ा गर्म करूँगी। अगर चाशनी हम लोग ठंडा इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरी तरह से बालूशाही के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए आपको चाशनी बहुत ही हल्का सा फिर से गर्म करना है। अब एक एक बालूशाही हम लोग इसमें डाल देंगे। ऊपर से भी हम लोग इस तरह से चाशनी डालेंगे और साइड भी चेंज कर लेंगे इसका इस तरह से। और दोस्तों चाशनी में बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, 5 से 10 मिनट रखेंगे और इसे फिर बाहर निकालेंगे चाशनी से।
परफेक्ट बालूशाही की पहचान दोस्तों ये होती है कि ऊपर से वो क्रिस्पी रहता है लेकिन अंदर से चाशनी एकदम अच्छे से उसमें चली जाती है। तो ये हम लोगों का जो बालूशाही है ये भी ऐसा ही बना है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से एकदम रसीला है। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्लेटिंग कर ली है और इस तरह से बालूशाही अपना यहाँ पे सजा दिया है। अब इसके ऊपर से हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम इस तरह से ऊपर से डाल दिया है ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे और टेस्ट भी अच्छा आ जाए, और आप चाहें तो कुछ केसर के धागे भी इस पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट बालूशाही, एकदम जिस तरह से हलवाई बनाते हैं उसी तरह से हम लोग ने अपने बहुत ही आसानी से घर में बना कर रेडी कर लिया है। अब एक बालूशाही मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसके अंदर भी चाशनी बहुत अच्छे से चली गई है। ये देखिए दोस्तों, अंदर तक इसमें जो चाशनी बहुत अच्छे से गई है, एक एक परत इसकी चाशनी से भरी हुई है और ऊपर से क्रिस्पी है। तो ये बालूशाही हम लोग का बनकर तैयार है। आपने अपने घर में बालूशाही किस तरह से रेडी की, आप ये ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में आकर अपना जो राय है वो शेयर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।